2002 में आई शबाना आजमी की फिल्म मकड़ी की छोटी बच्ची श्वेता बसु प्रसाद को शायद ही आप भूले हैं। श्वेता ने इस फिल्म में अपने शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था। इस फिल्म के बाद श्वेता टीवी सीरियल कहानी घर घर की और करिश्मा का करिश्मा में भी नजर आई। अब ताज़ा खबर यह है कि श्वेता को पुलिस ने एक सेक्स रैकेट में इंगेज रहने के चलते गिरफ्तार किया। इकबाल और डरना जरूरी है जैसे फिल्मों में काम करने के बाद श्वेता ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। खबर आ रही है कि हैदराबाद पुलिस ने शहर के ही बंजारा हिल्स इलाके के एक रेपुटेड होटल में रेड मारी तो वहाँ यह एक्ट्रेस रंगे हाथों पकड़ी गयी। यह पहली दफा नहीं है जब श्वेता इस तरह के कामों के चलते सुर्खियों में आई है। इससे पहले भी एक तेलुगु चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में श्वेता समझौता करते नजर आई थी। बड़ा सवाल ये है कि क्या श्वेता सिर्फ ज्यादा पैसा बनाने के लिए इस तरह के कामों को कर रही है। इस पर श्वेता ने स्टेटमेंट देते हुए कहा, मैंने अपने करियर में गलत ऑप्शन चुने जिससे मेरे पास पैसों की कमी आ गई। मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करना पड़ता है और कुछ अच्छे कामों को भी देखना पड़ता है। अब सारे दरवाजे बंद हो गए तो कुछ लोगों ने मुझे पैसा कमाने के लिए प्रोस्टिट्यूशन के पेशे में आने के लिए कहा। मैं हेल्पलेस थी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं कोई ऐसी अकेली एक्ट्रेस नहीं हूँ जो यह प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं जो इस फेज से गुजर चुकी हैं। शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बॉलीवुड की जगमगाती दुनिया की शायद ये भी एक सच्चाई है जिसे हम सब अनजान हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन को कहां तक ले जाती है। मुंसिफ टीवी के लिए दिल्ली से जागृति सिंह की रिपोर्ट।